डीपी के न्यूज़ पर हेलो एवरीवन आप दिख रहे हैं हमारा शो आपके रंग शिविक संग देखिए यूथ जो होता है ना वो ट्रेंड फॉलो करता है और ट्रेंड कभी भी बदलता है कभी कोई ओल्ड फैशन के क्लोज का ट्रेंड आता है तो कभी चाय कॉफ़ी का ट्रेंड आ जाता है तो कभी कोई डिश का ही ट्रेंड आ जाता है तो देखिए ऐसे में ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहते हैं तो ऐसे के अंदर आज की जो जनरेशन है उसमें एक ट्रेंड बड़ा छाया हुआ है और वो ट्रेंड है टैटू का जी हाँ पहले क्या होता था ना कि जो टैटू बनते थे वो बहुत टाइम पहले के टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको वो बनते थे मेलों के अंदर जो लोग ना अपना नाम अपने हाथ पे लिखवाया करते थे वो उस टाइम पे टैटू होता था लेकिन बीच में ये जो ट्रेंड था ये एक तर तरीके से बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था और आज ये ट्रेंड एक बार फिर से वापस आ गया है हर किसी के हाथ पे आप टैटू देखेंगे हाथ ही क्यों कई गर्दन पे बनवाते हैं तो कई शोल्डर पे बनवाते हैं तो अलग अलग तरीके के जो टैटू हैं वो ट्रेंड में चलते हैं तो ऐसे में आज हम यहाँ पर आए हैं पिंक स्क्वायर के अंदर पिंक टैटूज में जहाँ पर हम अंदर चलेंगे और अब देखेंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे टैटू बनते हैं और यहाँ के ओनर से भी हम बात करेंगे तो चलिए मेरे साथ में अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के अंदर भी क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें इन्होंने यूज़ करी है जो आ, जो इन्होंने सेटअप जो बनाया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सबसे पहले हम आपको यहाँ का सेटअप दिखा देते हैं और यहाँ के इक्विपमेंट्स बता देते हैं कि कैसे टैटू बनाते हैं और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें यूज़ होती है तो पहले आप वो देख लीजिए फिर हम आगे मिलते हैं आपसे अब हम बात करेंगे पिंक इंक टैटू के जो मैनेजर हैं यहाँ के जो ओनर हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस सेटअप का कि कैसे शुरुआत करी क्या उनका स्ट्रगल रहा है तो सर सबसे पहले आपका नाम बताइए मेरा नाम यतीश गौतम है और मैं बचपन से ही ड्राॅइंग में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट रहा है ड्रॉइंग से रिलेटेड ही मैं आगे इस फील्ड में काम करना चाहता था फिर मैंने एक मूवी देखी थी थ्री इडियट उससे मैंने एक सीख ली कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिस जिसमें उसका इंटरेस्ट हो तो मैंने इंटरेस्ट को मेरा बिजनेस बनाया और मैंने इस तरह इस काम को स्टार्ट किया धीरे धीरे मेरी यहाँ पे पॉपुलर हुआ जयपुर में और काफ़ी मेरे कस्टमर मेरे फैन हुए इस प्रकार मैं मतलब काफ़ी अच्छी मतलब बुलंदी में पहुँचाऊँ और जयपुर मेरे लिए बहुत अच्छा वो रहा है जी तो सर सबसे पहले बताओ कि जयपुर मतलब आप प्रॉपर जयपुर से हैं या फिर आप किसी अदर कंट्री मतलब स्टेट या फिर कहाँ से हैं मैं वैसे कोटा के पास बारह डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वहाँ पर टैटू मतलब टैटू को कोई जानता ही नहीं है मुझे पता था कि ये काम करने के लिए मुझे मेट्रो सिटी में जाना पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ इस फील्ड में आया और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इस काम को ठीक है सर आपने जब ये टैटू की शुरुआत की थी बनाने की तो कहीं से आपने सीखा था कि कहीं से इंस्पिरेशन मिली थी आपको हाँ मैंने एक दो महीने की ट्रेनिंग ली थी इसकी सिर्फ मुझे नेडल वगैरह की नॉलेज लेनी थी हाथ मेरा पहले से जमा हुआ था पेंटिंग में तो मैंने पहले कैनवास पे करते करते मैंने सोचा कि बॉडी पे बॉडी को कैनवास बनाए और ये काम मैंने स्टार्ट किया है तो सर कितना टाइम हो गया आपको इस टैटू वाली लाइन के अंदर इस लाइन में मुझे प्रॉपर दस साल हो गए अभी तो स्टार्टअप कैसे था आपका यानी स्टार्टअप यान... स्टार्ट एक रूम से स्टार्ट किया था मैंने क्योंकि मेरे मैं पास इतना पैसा था नहीं स्टार्टिंग में तो मैंने पहले एक रूम लिया और रूम से मैंने काम स्टार्ट किया धीरे धीरे मेरे पास कस्टमर जुड़े स्टार्टिंग में महीने में सिर्फ दो या पाँच टैटू बना पाता था अभी मेरे करीब पाँच सौ छः टैटू हो जाते हैं महीने के तो ये एक एक होता है कि यूथ को क्या पसंद आता है तो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या अभी इस टाइम पे पॉपुलर हो रही है कि लोग टैटू के अंदर वो बनवाना पसंद कर रहे हैं लोग अपनी स्लीव कवर करवा रहे हैं पहले तो छोटे टैटू चलते थे अभी चल रहे बड़े बड़े लोग अपने बॉडी सूट भी करवा रहे हैं जो एक टैटू चलता है करीबन तीन चार सेटिंग में वो एक बार में पूरा नहीं हो पाता है सब अपनी आइडेंटिटी बना बनाना चाहते हैं कि मैं ऐसा लगूँ या मैं कुछ डिफरेंट दिखूँ या जिसको जो पसंद है वो अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग अपने टैटू बनवाते हैं सर एक कई लोगों के अंदर मन में ये होता है कि इससे इन्फेक्शन होते हैं इससे बॉडी खराब हो जाती है तो ऐसा कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट होता है ऐसा हो सकता है अगर हाइजीन नहीं लें तो मैं पूरा जो स्टूडियो पहले मेरा सेटअप होता है तो मैं उसको पूरा हाइजीन करता हूँ हर मटेरियल नया यूज़ होता है निडिल से लेके इंक ग्लव्स सब नया यूज़ होता है सर कोविड के बाद में बहुत इफेक्ट पड़ा होगा शायद तक जहाँ तक क्योंकि मोस्टली बिजनेसेस के अंदर हम बात करें ना तो वो लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है तो इसमें भी क्या कोई इफेक्ट पड़ा है उसके बाद में बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और अभी धीरे धीरे वापस उसमें आ रहा है स्टार्टिंग में नहीं क्योंकि जैसे लोग हैं ना अभी हाइजीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो हैं कि आ, होना चाहिए तो कस्टमर्स का कम आना हुआ है या फिर लोग क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं अपने हाइजीन को लेकर जब पहले आते थे तो वो इतना मतलब समझ नहीं पाते थे हाइजीन के बारे में और उस टाइम पे भी हम हाइजीन यूज़ करते थे ग्लव्स uh, हम पहले भी यूज़ करते थे सैनिटाइज़र पहले भी यूज़ करते थे लेकिन अभी कोविड से सब जानने लगे हैं तो सेफ्टी ज़्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंस देने लगे हैं जैसे एक टैटू को बनाने में कितना समथिंग टाइम आपको लगता है उसके अभुण? वो वो डिपेंड करता है उनकी डिज़ाइन और वर्क पे कितना हो सकता है मिनिमम 15 से 20 मिनट तो एक छोटा सा लेटर लिखने में लगी ही जाता है टाइम तो इसमें भी क्या अलग अलग कैटेगरीज होती है कि जैसे आ, हर कोई अलग अलग प्रोफेशन के अंदर हो के लाइक आप इस टाइप इस टाइप ताथ का टैटू बनाएंगे इस टाइप का आप जैसे सिखाते हैं आप लोगों को तो अलग अलग तरीके से सिखाते हैं क्या सिखाने का तो वही टे, टेक्निक होता है जैसे मेरे लिए पहले स्टूडेंट थे मैं ड्रॉइंग टीचर था और अभी मेरे लिए मैं फिर टीचर हूँ और वो अपनी ट्रेनिंग वैसे ही लेते हैं हाँ ये होता है कि इसमें टैटू अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग ऐसे होता है कि जैसे कोई मॉडल है या कोई फैशन डिजाइनर है तो फैशन डिज़ाइनर के अकॉर्डिंग उनकी डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं या कोई रिलीजियस टैटू पसंद करता है तो हम रिलीजियस टैटू को कस्टमाइज़ करके उसकी बॉडी पर ट्रेस करते हैं अच्छा लास्ट सवाल मेरा आपसे कि टैटू बनाने के बाद में क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं टैटू बनाने के बाद हमको तीन चार दो घंटे बाद हमको उसको क्लीन करना होता है नॉर्मल पानी से और उसके बाद एक क्रीम आती है सिल्वर एक्स उसको यूज़ करो आप चार पाँच दिन का थोड़ा केयर होता है उसके बाद स्केब बनता है स्केब अगर अपन नेल से हटाएंगे तो टैटू खराब हो जाएगा उसका थोड़ा सा केयर करो और एक महीने में प्रॉपर हील हो जाता है टैटू तो कैसे टिप्स जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि अगर वो टैटू बनवा रहे हैं तो क्या है सर टैटू अगर बनवाते हो आप तो अचानक कोई चीज़ चूज़ की हुई नहीं बनवाएं पहले उसको सोचें क्योंकि वो बॉडी पे लाइफ टाइम बनने वाला है हमेशा के लिए रहने वाला है वो टैटू आपकी आइडेंटिटी बनने वाला है तो आप टैटू वही बनवाएं जो आपने सोचा हुआ है या कस्टमाइज़ करवाएं जो आपको लाइफ टाइम आपको पछतावा नहीं हो उससे वो टैटू बनवाएं आप ओके सर सर एक मेरा मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आया है कि स्टार्टिंग रेंज अपनी क्या रहती है कि इंचेस के हिसाब से होता है कि कैसे क्या रेंज रहती है क्योंकि ये एक लोगों के मन में बहुत ज़्यादा होता है कि अरे बहुत कॉस्टली टैटू बनते होंगे कई लोग सोचते हैं कि अरे बहुत सस्ता है नॉर्मली बनवा लेंगे तो एक रेंज का अंदाज़ा कि क्या रहता है हमारा रेंज का अंदाज़ा ये है कि मिनिमम फाइव से स्टार्टिंग होता है प्राइस तो और अगर इसको हम कस्टमाइज़ करवाते हैं तो वही डिज़ाइन थाउजेंड तक पहुँच जाती है तो नॉर्मली 500 से स्टार्ट 500 होता है ओके सर काफ़ी आपकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि कैसे आप ड्राइंग टीचर थे फिर आ, उसके बाद आज भी आप टीचर हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि इंसान जब सीखता है ना तो वो सिर्फ पैसे के लिए सीखता है कि हाँ मैं पैसे कमाऊंगा। लेकिन अब जो आप आगे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि एक मोटिवेशन हमारे जो दर्शक हैं उनको भी मिलेगी तो जैसा हमने सर से बात करी काफ़ी अच्छा लगा सर से बात करके और काफ़ी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि क्या प्रिकॉशन होते हैं और कैसे इन्होंने शुरुआत करी क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं ना तो मेंटली प्रिपेयर होना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक हम मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते तब तक हम आगे हमारा गोल सेट नहीं कर सकते हैं तो मेरी भी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप कोई भी चीज़ हमारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये है कि माइंड प्रिपेयर करें उस चीज़ को लेकर और जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपकी जो हॉबी है ना अंदर की उसके थ्रू आप जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो अगर आप सबको भी टैटू बनवाना है कोई शौकीन है टैटू के तो मैं भी आपसे यही एडवाइस करूंगी कि जयपुर के अंदर पिंक स्क्वायर मॉल के अंदर पिंक इंक टैटू के नाम से है थर्ड फ्लोर पे तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए सर आपको यहाँ पे मिलेंगे काफ़ी अच्छा इनका जो है नेचर है क्योंकि मुझे जब मैंने इनसे बात करी तो काफ़ी अच्छा नेचर लगा मुझे सर का तो यहाँ ये मिलेंगे और आप लोग ज़रूर आइए और यहाँ पे आके टैटू बनवाइए लोगों के मन में होता है कि टैटू किस तरीके से बनता है क्या क्या उसमें यूज़ किया जाता है मतलब कई लोगों की ऐसी मेंटिलिटी होती है कि अरे पता नहीं क्या लगाते होंगे क्या नहीं लगाते होंगे तो ऐसे में उन लोगों के लिए हम बताते हैं कि किस तरीके से टैटू बनता है क्या क्या उसमें चीज़ें यूज़ होती है तो उसका हम लोग आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो आगे हमारे साथ देखिए कि किस तरीके से जो है टैटू बनाया जाता है क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं कितनी हाइजीनिक वो रखते हैं और कौन कौन से कलर्स वगैरह इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं तो आगे देखिए आप हेलो एवरीवन मेरा नाम हितेश तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या क्या हम यूज़ करते हैं टैटू कैसे करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस सर्फेस पे टैटू करने वाले होते हैं हम उसको क्लीन करते हैं विथ सैनिटाइजर एंड उस पार्ट के uh, जितने भी हेयर्स होते हैं वो हम क्लीन करते विद रेजर या बहुत से लोग वैक्सीन यूज करते हैं या टिमर भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हम एक स्टेंसिल लेते हैं जैसे लाइक कोई भी एक टाटू करवाना है उसका एक स्टेंसिल होता है उसको हमें हम उसके क्लाइंट के बॉडी पार्ट बाड़ पे ट्रांसफ़र करते हैं बेटा लुब्रिकेंट जेली और स्टेंसिल जेल्स आते हैं आजकल बहुत से तो हम ये बॉडी पार्ट बाड़ पर ट्रेस करके आ, निडल्स हम यूज़ करते हैं और ये मशीन है आजकल ये आ, बैटरी वाली आने लगे पोर्टेबल ठीक है तो बहुत से टैटू आर्टिस्ट हैं यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में बहुत से आपको टैटू आर्टिस्ट मिलेंगे जो निडल्स यूज़ करते हैं और हम वैसे यहाँ पे थोड़ा सा से ये सेफ़ होता है ये है कार्ट्रिज तो ये आपको बहुत ही कम स्टूडियोज में मिलेगी तो मैं आपको जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको इन फ्यूचर टैटू करवाना है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जहाँ से भी आप टैटू करवाते हैं मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहीं से ही टैटू करवाएं जहाँ से भी आप टैटू टा, करवा रहे हैं उसका स्टप देखिए क्या वो यूज़ करता है काटरेज यूज़ कर रहा है या निडल यूज़ करता है तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या डिफरेंस होता है जो निडल्स यूज़ करते हैं वो कम हाइजीन होती है ये थोड़ी आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा सेफ़ रहेगी यूज इन थ्रो है डिस्पोजेबल है फेंक फेंक सकते हैं इसको मतलब यूज़ के बाद फेंक देते हैं तो मैं आगे बोलना चाहूँगा कि हम क्या प्रोसेस क्या होता है आगे तो हम ये लगाते हैं इसके अंदर कार्ट्रिज ओपन करके जस्ट जस्ट लाइक दिस मेक श्योर आप आ, अपने टैटू आर्टिस्ट से पूछ सकते हैं कि, कि कितना डीप वो इंजेक्ट करता है इंक को आपकी बॉडी के अंदर अगर वो सेकंड थर्ड लेयर पे काम करता है तो मोस्टली टाइटो एम्बोज हो जाते हैं और स्किन से बाहर आ जाते हैं तो ये है मशीन इसमें uh, इंक यहां पर इंजेक्ट होती है देन आपकी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट की जाती है और हम यूज़ करते हैं दिस डनामिक ट्रिपल ब्लैक इंक जो कि सबसे डार्क होती है ऑल ओवर इंडिया यही यूज़ की जाती है और बाहर से ये इंपोर्ट की जाती है यहाँ पर और अगर आप कलर यूज़ करवाना चाहते हैं बेसिकली इंडियन बॉडी टोन्स पे ये कलर्स लाइट हो जाते हैं बट हम फिर भी एक बार कर देते हैं अगर क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं हमको कलर ही चाहिए बट बाद में नीड होती है थोड़ी सी इसको टचअप करवाना पड़ता है बिल्कुल लाइट हो जाता है तो रिफिलिंग होती है बार बार तो मैं रिकमेंड तभी करता हूँ यहाँ बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा फेयर है तभी मैं ये रिकमेंड करता हूँ और ये सब इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं और जैसे कुछ आ, बड़ा रैट है तो उसके लिए हम टोन्स क्रिएट करते हैं आ, वन ड्रॉप टू ड्रॉप थ्री ड्रॉप ऐसे कर सकते हैं और ये डिस्टिल वाटर हम डाइल्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि नॉर्मल वाटर करेंगे उसके अंदर बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं और ये पूरा जैसे इंजेक्शन के लिए आपने देखा होगा ये यूज़ किया जाता है मोस्टली तो हम ये डाइल्यूट करने के लिए करते हैं ताकि क्लाइंट की स्किन को कोई हार्मफुल बैक्टीरिया इफेक्ट ना करे बाद में जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे टैटू बनाए जाते हैं कितनी हाइजीनिक यहाँ कि पे मेंटेन किया जाता है और यहाँ के जो ओनर है उनकी स्टोरी भी काफ़ी मोटिवेशनल लगी है क्योंकि देखिए काम वही करें जो आपके मन को भाए क्योंकि हॉबी आज के टाइम पे सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद ही नहीं है तो उसमें कोई मज़ा नहीं है तो काम वो करिए जो आपको पसंद हो तो मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा यहाँ की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और जिस तरीके से मैंने देखा कि कैसे टैटू बनते हैं लोग बनवाते हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था तो अगर आपको भी टैटू बनवाना है तो यहाँ पे जयपुर के अंदर पिंक स्क्वायर मॉल में ज़रूर आइए यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे पिंक इंक टैटू के नाम से इनका जो है स्टोर है यहाँ पे शॉप है तो यहाँ पे जरूर आइएगा और टैटू बनवाइएगा तो अब मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर तो कैमरामैन मनोज यादव के साथ में डीपी के न्यूज़ से शिवांगी पारिक जयपुर